श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित शिव हनुमान मंदिर शिवाजी पार्क में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन 4 अप्रैल से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक के मध्य किया जा रहा है। ज्योतिषविद पंडित नरेशाचार्य बंधु जी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। 11 अप्रैल को कथा का समापन होगा। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार कथा के माध्यम से सनातन धर्म हिंदू संस्कृति को जगाने का प्रयास किया गया है। शिवाजी पार्क की धर्मनिष्ठ जनता जिस उत्साह से भाग ले रही है वो हमारे सलवर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को जगाने का जो बीड़ा हमारी समिति ने उठाया है, इस आवाज को, इस ध्वनि को पूरे अलवर में धर्म और संस्कृति के जागरण के लिए हम काम करेंगे। सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन हो रहा है। धर्म की जागृति, संस्कृति की चेतना और समाज में धर्म का भाव पैदा हो, संस्कृति का भाव पैदा हो, सहयोग का भाव पैदा हो, समता का भाव पैदा हो, समरसता का भाव पैदा हो, एकत्र का भाव पैदा हो, ये ही हमारी परिकल्पना है और इस भाव श्रीमद् भागवत कथा के इस अनुष्ठान का यही उद्देश्य है। 7 दिन तक चलने वाली ये कथा है। 4 अप्रैल से ये श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई है। 10 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा 10 अप्रैल तक 4 अप्रैल से शुरू हुई है। 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा के ये अनुष्ठान चालू रहेगा।